हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। पटना सिटी खाजेकला थाना परिसर मजार पर उर्स का आयोजन किया गया एवं धूमधाम से चादर पोशी की गई। सनोवा खान ब्यूरो रिपोर्ट पटना। पटना सिटी खाजेकला थाना परिसर मजार में हर साल की भांति इस साल भी अमन चैन की दुआ के साथ चादर पोशी की गई, जिसमें अवाम जनता लोगों के शांति के लिए दुआ मांगा गया। मोशून्य रियाजुद्दीन खादिम ने कहा कि पटना सिटी में चार भाई के साथ खाजेकला थाना परिसर में एक बहन है जिनका वर्षों से उर्ज मुबारक मनाया जाता है, जिसमें उपस्थित खाजेकला थाना अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने कहा कि खाजेकला थाना परिसर के मजार पर हर साल चादर पोशी की जाती है। इस साल भी खाजेकला थाना के तमाम पदाधिकारी एवं सादगी के साथ चादर पोशी की गई। इस मौके पर थाना अध्यक्ष के साथ तमाम थाना स्टाफ एवं आवाम मौजूद थे। इस खाजेकला थाना परिसर मजार पर कोरोना काल में महामारी बीमारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चादर पोशी की गई। के आस्थाने पे चादर पोशी होती भी चली आ रही है, और हमारे थाना के जितने भी स्टाफ में सभी लोग इसमें मिलजुल के ताबून, और जितनी अमाम है इस एरिया की सब मिलजुल के ताबून करता, बड़े अच्छे पैमाने पर यहाँ औलिया काम बुजानदीन के आस्थाने पे चादर पोशी होती है और तबरुआत बांटा जाता है और लंगर चलता है। ये बहुत सदीमे सालों से चल रहा है यहाँ, ये बहुत पुराना, ये चारों भाई उनके हम चिरा बहन है। जी सबके लिए मांग रहा, पूरे संसार पूरी दुनिया पूरे हिंदुस्तान के लिए सारी अमाम के लिए दुआ मांग रहा कि मेरा हिंदुस्तान अमन अमान से रहे, पूरी कौम में मिल्लत मोहब्बत इखलाक रहे, और क्या मांगूंगा इस दर पे। मेरा नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन अहमद मजार खादिम। परिसर में मजार है जहां हर वर्ष उर्स के मौके पर चादर पोशी होती है। इस बार भी बहुत ही सादगी के साथ चादर पेशी हुई और स्थानीय लोगों के द्वारा, थाना के पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा सभी के लिए अमन और चैन की दुआ मांगी गई है। पहले तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन इस बार जो है बहुत ही सादगी के साथ मनाई गई है और सबका भला हो, यही दुआ।